ओम नमः शिवाय। हम में से बहुत सारे लोगों को ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है और कुछ लोग चाहते हैं कि जी बाहर जाके फॉरेन में जाके सेटल हो जाएं। ये सब लाइनें हमारे पाम में होती हैं, हमारे हाथ की लाइनें बता सकती हैं कि हमारा फॉरेन सेटलमेंट है या नहीं, हमारी बाहर कुछ ट्रैवल है कि नहीं, शॉर्ट ट्रैवल्स हैं या लॉन्ग ट्रैवल्स हैं, ट्रैवल सेफ होगा कि नहीं। अगर एक बड़ी ट्रिप पे जा रहे हैं तो देख सकते हैं कि ट्रैवल सेफ होगा कि नहीं। तो ट्रैवल लाइंस को देख करके आप इजीली बता सकते हैं कि बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे, सेटल होंगे या नहीं, और अगर सेटल होंगे तो वो ठीक रहेगा या गड़बड़ रहेगी वहाँ पे कुछ, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। तो आज ट्रैवल लाइंस के बारे में देखते हैं कि हाथ के किस एरिया के अंदर हम ट्रैवल लाइंस को देख सकते हैं। और दूसरी बात, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भी ये लाइनें आप देखते हैं उनके ऊपर कुछ मेन निशान होते हैं, क्रॉस का निशान या सर्कल का निशान या ट्रायंगल का निशान या स्क्वायर का निशान। तो ये सारे निशान देखें, उसके बाद हमें पता लगेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ट्रैवल अच्छा रहेगा कि नहीं। तो लाइनों की जो गहराई है, मतलब डार्क लाइन है या लाइट लाइन है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। छोटा ट्रैवल है तो छोटी लाइन होगी, बड़ा ट्रैवल है तो बड़ी लाइन होगी। डिस्टर्बेंस है अगर उस लाइन में तो ट्रैवल में डिस्टर्बेंस होगी। अगर चलिए आइए देखते हैं इसके क्लोज लुक देख करके कि एक पाम का एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे अपनी ये सब चीज़ें जो आपके दिमाग में क्वेरीज आ रही हैं कैसे देख सकते हैं। देखते हैं कौन कौन सी होती हैं, उससे पहले जल्दी से बेसिक लाइनें देख लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक लाइफ लाइन, जो आपकी ज़िंदगी की एनर्जी को बताता है कि किस कितनी एनर्जी से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक माइंड लाइन है, आपके ब्रेन की फंक्शनिंग को बताती है। और यहाँ से लेके यहाँ तक हार्ट लाइन है, आपके हार्ट के बारे में बताती है, दिल आपका किस तरीके का ये बताती है। चलिए अब देखते हैं कि ट्रेवल लाइन कौन सी है। मैं कलर दूसरा कर देती हूँ ताकि समझ आसानी से आ जाए। ये जो एरिया, इस एरिया को मून माउंट बोलते हैं। मून माउंट के से को देख के आपको आइडिया लगता है कि आपका मन किस तरीके का है। और अगर यहाँ पर छोटी छोटी इस तरीके की, अगर मान लीजिए छोटी लाइन तो छोटा ट्रैवल, बड़ी लाइन तो बड़ा ट्रैवल, ज़्यादा डार्क लाइन है ट्रैवल अच्छा होगा। अच्छा कभी कभी क्या होता है, मैं कलर ये देख, मान लीजिए इस लाइन के ऊपर, इसके ऊपर कोई क्रॉस आ गया इस तरीके का, अगर क्रॉस आ गया इसका मतलब ट्रैवल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक इसी तरह से मान लीजिए आइलैंड बन गया इस तरीके का, इस लाइन के ऊपर अगर आइलैंड बन गया तो भी ट्रैवल में प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा अगर इस लाइन के ऊपर स्क्वायर बन गया या ट्रायंगल बन गया, ये स्क्वायर का मतलब ये है कि आपको ट्रैवल में प्रॉब्लम आई और प्रोटेक्शन हो गई उस प्रॉब्लम से। ट्रायंगल का मतलब अचीवमेंट है। कभी कभी इस तरह का फिश का सिंबल भी होता है। देखिए हाथ में फिश का सिंबल जहाँ भी होगा वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ ज़िंदगी में अचीवमेंट दिलवा के जाएगा। तो फिश सिंबल इज़ ऑलवेज गुड इन योर पाम। अच्छा अब ये बात कर रहे थे कि ट्रेवल लाइंस छोटी लंबी, ये आपको जैसे कि मैंने बताया कि बड़ा ट्रेवल है तो बड़ी लाइन, ठीक है। तो ये थी छोटी छोटी बातें ट्रेवल से रिलेटेड। अब बात करते हैं बाहर अब्रॉड फॉरेन सेटलमेंट होगा या नहीं होगा। ये मैं एक बार जल्दी से इसको क्लियर कर देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। अच्छा ये लाइन थी हमारी लाइफ लाइन। अगर यहाँ से कोई लाइन निकल के इधर चली गई तो श्योर शॉट है कि उस इंसान का फॉरेन सेटलमेंट ज़रूर होगा, बाहर सेटलमेंट ज़रूर होगा। ठीक इसी तरीके से अगर ये लाइन इस तरीके से भी दिख रही है किसी के हाथ में तो भी फॉरेन ट्रेवल ज़रूर होगा। तो ये थी छोटी छोटी लाइनें फॉरेन ट्रेवल से रिलेटेड। चलिए फिर एक और नई लाइन लेके फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।